मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ते हुए। मेहरबून सर हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। मैं इंडिया की चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा से ग्लोब और थोड़ा से मेहरबून सर आए हो थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल ग्लोब से। हो क्या रहा है, यूएस इकोनॉमी थक रही है, दिक्कत में आ रही है और वो दिक्कत में आ रही है तो उम्मीदें जाग गई हैं, एक बूस्टर डोज आएगा फेड की तरफ से, दरें काटने की तैयारी कर रहे हैं। उभरते बाजारों के दरअसल क्या अच्छा है, एक थकी हुई यूएस इकोनॉमी या सिर्फ ये फेड का बूस्टर? आई थिंक अभी के लिए तो फेड का बूस्टर है समथिंग विच मार्केट राह देख रहा है और सितंबर में बात चल रही है कि एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स इवन 75 बेसिस पॉइंट्स कैन कम। कहीं पर अच्छे एक्सपर्ट्स और जो आप फॉरेन वेबसाइट्स देखोगे और ट्वीट्स देखोगे अच्छे अच्छे लोगों के, आई थिंक कहते हैं कि फेड इज ऑलरेडी बिहाइंड द कर्व, ये शायद रिडक्शन पहले हो जाना चाहिए था। तो और मैंने शायद आपने भी हम लोग ने देखा नहीं होगा कि इन अ रो 8 डेज S&P और NASDAQ आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। रही बात US इलेक्शंस की, वो अभी 3-4 महीने में उसकी भी गर्मा गर्मी हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक US इज ऑन अ बैड विकेट और वीक विकेट एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ द मार्केट। रही बात इंडियन मार्केट्स की, आई थिंक मेरा एक ही चीज आपको पूछना है, जनरल कहना है कि इन 30 ईयर्स एटलीस्ट आई हैव नेवर सीन रिटेल इन्वेस्टर्स बीन एज पावरफुल एज व्हाट दे आर टुडे। नंबर वन, FIIs ने लाइटन कर रहे हैं, हैवीली लाइटन कर रहे हैं। FIIs अकॉर्डिंग टू मी अर लिटिल अंडरवेट राइट नाउ इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल मनी डिप्लॉयड। दूसरी साइड रशिया यूक्रेन की वॉर आई थी, हम लोग ने सोचा था बाजार को बड़ा झटका लगेगा। उसके बाद इसराइल गाजा, अभी ईरान का प्रॉब्लम, इलेक्शन रिजल्ट्स वर बिलो एक्सपेक्टेशंस, और लेटेस्ट यूनियन बजट वॉज नॉट वेरी गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। डिस्पाइट दैट वी आर एट अ नियर ऑल टाइम हाई। मूल कारण है द मनी विच इज गोइंग टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। एक सर RBI गवर्नर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग इन बैंक्स बिकॉज पीपल आर गेटिंग यूज टू पुटिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग देम रिटर्न्स बिकॉज इक्विटी इज डूइंग वेल। तो दो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बैंक्स के लिए बन जाएगा, मैं भी बोलता हूं कि बन जाएगा आगे चल के, एंड बैंक्स विल हैव टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स। पर रही बात मार्केट्स की, आई थिंक आप डीमैट अकाउंट्स देखो, आई डोंट थिंक आपके जानकार दर्शकों को भी पता नहीं होगा शायद, सिंपल नंबर्स, देर आर मोर देन 16 करोड़ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया। लास्ट 2 साल में 4.5 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स बने हैं। थोड़े सालों के पहले सिर्फ 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। अभी SIP फिगर्स देखिए, 2023-24 में 2 लाख करोड़ थे और पिछले 4 महीने में एवरेज आई है अराउंड 21,000 करोड़। तो वी आर गोइंग टू क्रॉस अ फिगर ऑफ मेबी 2,60,000 करोड़ इन द करंट ईयर, विच इज अ 30% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। तो विद दिस टाइप ऑफ मनी कमिंग, नंबर ऑफ SIP अकाउंट्स देखिए, 9 करोड़ SIP अकाउंट्स है जो FY 2021 में सिर्फ 1 लाख करोड़ था। तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स को देखिए, आई थिंक आपने शायद एक बार, मैंने आपका ही सुना था, अनुज जी भी बोल रहे थे, हर्षदा जी भी बोल रही थी कि टॉप म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग ऑन अराउंड 10% ऑफ द AUM इन कैश ऑन एन एवरेज। म्यूचुअल फंड्स का ओनरशिप इन इंडियन मार्केट्स नाउ इज मोर देन 10%। सो अगर आप मुझे कहें तो मार्केट पे धक्का आएगा, आई थिंक देयर विल बी अ मेजर मेजर मेजर, यू नीड अ ग्लोबल इवेंट जिसके कारण मार्केट्स को बड़ा धक्का बैठे। अदरवाइज आई डोंट सी दिस मार्केट्स फॉलिंग बाय मोर देन 5-7%, विच आई विल टर्म इट अ करेक्शन, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे है, FIIs को जो बेचना है ऑलरेडी रोज की बेच रही है, इट्स नॉट अफेक्टिंग द मार्केट मच। सो देयरफॉर इफ मार्केट करेक्ट्स बाय 4-6%, आई एम क्वाइट श्योर म्यूचुअल फंड्स जो लिक्विडिटी पे बैठी है अराउंड 10% ऑफ द AUM, इज नॉट अ स्मॉल फिगर, इट्स अ बिग फिगर। तो आई थिंक दैट अलोन शुड टेक केयर ऑफ एनी बिग डाउनसाइड इन द मार्केट। सो मार्केट पे 4-6% का फॉल जरूर कभी भी आ सकता है, आई थिंक पीपल आर टेकिंग इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी विल कंटिन्यू। सो मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है, देर आर पॉकेट्स विच आर बिकम वेरी एक्सपेंसिव। आप ऑलरेडी देखिए पिछले 15-20-25 दिन में स्टॉक्स हैव कम अप बाय 15-20% इन सर्टेन सेक्टर्स, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टाइम टू मेक मनी, बट यू विल हैव टू चूज स्टॉक्स वेरी सिलेक्टिवली हेंसफॉर्थ। नहीं, बात सही है, परिभाषा सब बदल गई है, मेजर मेजर करेक्शन भी मेहरून सर कह रहे हैं 5-7% के आसपास, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत तगड़ी है। हमें सिर्फ DIIs का पता है, रिटेल खुद भी इंडिविजुअली पैसा डालता है आजकल, और देखिए किस तरह से FIIs की सेलिंग को हम ब्यूटिफुली एब्जॉर्ब करते ही चले जा रहे हैं।
बाकी मेजर करेक्शन मतलब 5-7%, पर ठीक है। रिटेल का पैसा एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा है हम सबको। तो मेहरबून सर लॉजिक पे चलते हैं, वैल्यूएशंस भारतीय बाजारों के उस पर भी अलग अलग व्यूज बनते हैं लोगों के। कई लोग हिस्टोरिकल एवरेजेस का हवाला देते हैं, उसके बाद बोलते हैं उससे रात से निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है नहीं, पर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं क्योंकि कुछ पॉकेट्स वाकई स्ट्रेच्ड हैं। और इस बार का जो अर्निंग सीजन खत्म हुआ है नेट नेट तो मुझे लगता है डिसअपॉइंटिंग रहा है, एटलीस्ट अर्निंग्स के लिहाज से। तो वैल्यूएशन को पर्सपेक्टिव में रखते हुए आप कितना कंफर्ट देख रहे हैं, आपको भारतीय बाजार कैसे कैसा मूल्यांकन इनका लग रहा है? आशीष जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आई थिंक आई वुड टेक अ मिनट टू आंसर इट इन व्हाटएवर बेस्ट वे आई कैन आंसर। रिजल्ट्स हैव नॉट बीन गुड और मार्केट्स तीन फैक्टर के कारण चलता है। 20 साल पहले भी वही कारण थे, आज भी वही कारण है। एक है फंडामेंटल्स, एक है लिक्विडिटी और एक है सेंटीमेंट। रही बात सेंटीमेंट की, छाती पर हाथ रख के कोई भी इन्वेस्टर मुझे कहे कि जब भी वो मार्केट में आज के दाम में शेयर खरीदता है इज ही वेरी कॉन्फिडेंट ही विल मेक मनी, आंसर इज नो। तो कॉम्प्लेसेंसी मार्केट में नहीं है, विच इज गुड। सेकेंड बात रही फंडामेंटल्स की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिजल्ट्स जो आए हैं, प्रॉफिट्स आर गॉन अप बाय 5%, 7%, 8%, स्टॉक्स आर गॉन अप बाय 40%, 50%, 60%, कब तक ये चलते रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटल्स वाइज वी आर नाउ पॉसिबली मच बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन थर्ड फैक्टर है लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी इज डोमिनेटिंग कंप्लीटली ओवर फंडामेंटल्स ऑन द वन साइड एंड सेंटीमेंट ऑन द अदर साइड। लिक्विडिटी कहता है कि मुझे खरीदना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, और आप और हम कौन होते हैं रोकने का? द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, इशारा भी कर दिया, और मैंने भी पहले भी कहा था कि देर आर लॉट ऑफ पॉकेट्स विच हैव बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ओवर ऑल थे, सब लोग खरीदते थे जस्ट बिकॉज वो स्टॉक्स बढ़ रहा है, वो डिफेंस हो या रेलवेज हो। अब ये सारे स्टॉक्स they will do well as companies, mind you, but वो दाम होता है खरीदने का, you need a price to buy। अभी उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक अच्छी कंपनी थर्मैक्स 2700 में 2800 में मिल रहा था, अच्छा लग रहा था, कह रहा था, आज 4500 का भाव है, आज लोगों को खरीदना है। द पॉइंट इज आप जब भी एंट्री करते हो आपको एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि डाउन साइड एक करेक्शन में भी डाउन साइड अगर 20-25% हो जाए और अपसाइड मुझे 5-10% दिखता है तो why am I buying that stock? तो तेरा होल लॉट ऑफ पॉकेट्स बेकअप एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आज मुझे आप पूछे तो 100 में से 90 स्टॉक्स मुझे काफी महंगे लग रहे हैं, बट फिर भी मेहनत करना पड़ता है बाकी के 10 स्टॉक को परखने को। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ इफ यू कैन नॉट सिलेक्ट द राइट स्टॉक्स। और अगर हम भले 25,500 पहुंच जाए निफ्टी में या 26,000 में पहुंच जाए दिवाली तक, जो भी लोग बात करेंगे, और हो भी सकता है there may be investors who may not be able to make any incremental profit because they are lying in stocks which are extremely expensive. आप खुद निकाल के देख लीजिए कि कितने सारे स्टॉक्स 30-40% are down from the peak levels, but market is at its peak. अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई है तो मेरे स्टॉक्स ऊपर से 20-25-30% क्यों घटे है? Because they had gone up to that level without any justification. अभी फार्मा की बात कर दीजिए, फार्मा पिटा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था उसको, एंड नाउ टूडे शो मी एटलीस्ट 5 फार्मा स्टॉक्स बताइए जिसकी पी रेशियो इज लेस देन 30। आपको ढूंढना पड़ेगा, और 35-40-50 के पी में आप मुझे बोलो कि फार्मा स्टॉक लेने को आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इसमें परखना पड़ेगा। वो FDC निकलेगा, कैपलिन पॉइंट लैब्स निकलेगा, लिंकन फार्मा निकलेगा, जो अभी भी 30 के नीचे के पी में है। बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इक्विप्ड इनफ टू अंडरस्टैंड। नीचे में किसी को लेना नहीं, मोमेंटम आता है, लोग खरीदते, एक्सपेंसिव हो जाता है, देन दे से अरे यार मार्केट तो ऊपर है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अभी बढ़ने का बंद हो गया। सो दैट पॉसिबली इज हैपनिंग एंड दैट पॉसिबली कैन इंक्रीज फर्दर। सो पीपल विल हैव टू रियली लुक एट द पोर्टफोलियो एंड आइडेंटिफाई के स्टॉक्स विच आर कॉल एट 80, 90, 100 पी, सेक्टर्स जो सबके पास है, सबके पास उस सेक्टर के स्टॉक्स है कि मोदी जी को ये पसंद है, ग्रीन एनर्जी पसंद है, ईवी पसंद है, देन इंफ्रा पसंद है, 70, 80, 90 के वैल्यूएशन पर कैपिटल गुड्स जा रहा है। Is it a good space? Answer is yes, but time tha khareedne ka. It is possible quite a few stocks across good sectors may move in a very narrow range even if we see the Nifty moving up another 1,000-1,500 points. That's what I'm trying to say. So, abhi se paisa banana, you will have to be very, very, very selective and buy into stocks where some trigger will make the stock go up by 10, 15, 20%. This is abhi sugar mein ho raha hai.
कोई चिली को देख नहीं रहा था, अभी सडनली एक अच्छा सा ट्रेडिंग मूव दे रहा है और ये ट्रेडिंग मूव शायद और भी चल सकता है. तो दैट इज वेयर मनी इज एंड पीपल विल हैव टू लर्न टू रोटेट द स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियोज गोइंग इन टू कंपनीज जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी महंगी नहीं है एंड वन ट्रिगर कैन मेक द स्टॉक गो अप 10-15-20% क्योंकि मार्केट भूखा है ढूंढने के लिए कि कहाँ मैं पैसा डालूं वहां पड़ेगा. और एक बार एक दो ट्रिगर आगे इन सेक्टर्स विच आर बीटन डाउन लाइक फार्मा था फास्ट बढ़ गया. सो आई वुड से दैट पीपल विल हैव टू बी रियली केयरफुल इफ यू बाय इनटू अ रेलवेज और अ डिफेंस. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ दे आर गुड दे विल डू वेल बट समवेयर वैल्यूएशन अभी के लिए महंगे अर्निंग्स विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैच अप फॉर स्टॉक्स टू गो अप अगेन फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल्स. तो मेहरबून सर प्राइसेस कहाँ सही मिल रही हैं? आपने एग्जांपल के साइड पे कुछ सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स की बात करी, आपके लिए कोई ऐसे कोई पॉकेट्स ऑफ कंफर्ट नजर आते हैं? या तो पुट इट डिफरेंटली, जब आपने कहा आपको बहुत वेरी 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 सिलेक्टिव होना पड़ेगा स्टॉक पिकिंग में, आपके पास जो नया पैसा आ रहा है आप जैसे एक्सपर्ट्स को इजिली एवेन्यूज मिल रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए, आपके लिए भी चैलेंजिंग हो गया है? चैलेंजिंग आप कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ता है. आई थिंक पहले तो पिक एंड चूज था ईजी, अभी पिक एंड चूज थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. अभी आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा खाना खाऊंगा तो पेट को बराबर हजम होगा. आई वुड से अभी स्पेशलिटी केमिकल्स में देर आर सर्टन स्टॉक्स विच आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, जहाँ पे फिर से 3 साल पहले क्या भाव देखिए, टॉप के भाव जो थे, SRF देखिए, दीपक नाइट्राइट देखिए, जो देखना है देख लीजिए. 3 साल स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया, मैं नहीं कहता हूँ गो एंड बाय द स्टॉक्स, बट इस पे थोड़े से स्टॉक्स उभर कर आते हैं विच पीपल नीड टू बाय. उदाहरण के लिए मैं दूंगा विद क्लियर डिस्क्लोजर, आई पर्सनली होल्डिंग इट, थिरुमलाई केमिकल्स है, IG पेट्रो है, ये सारे थैलीकैनाड्रेट मैलीकैनाड्रेट की कंपनीज है, उसकी पूरी साइकिल बॉटम आउट होकर अभी निकल रही है. इफ द प्राइसेस गो अप अ लिटिल बिट मोर द स्टॉक्स कैन गिव यू अनदर 20-30-40-50%, हु नोस. सो आई वुड से स्पेशलिटी केमिकल्स सिलेक्टिवली अट्रैक्टिव लगता है. एंड समवेयर आई फील रियल एस्टेट स्पेस में देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी द अपसाइड हैज अ लॉन्ग वे टू गो. ओके मेहरबून, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के. तो मेहरबून ने कैटेगोरिकली कहा कि देखिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल और कुछ स्पेसिफिक रियल्टी कंपनियों में अभी भी मौके हैं, लेकिन बाजार ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा आपको संभल कर पोजीशन लेनी होगी. अच्छा, इस बीच